पहले ये सारे रोड टूटे हुए थे, अब हमारे विधायक जी ने सारा बढ़िया करवा दिया। बाहर के रोड पर यहाँ रोज रिक्शा पलटे, एक्सीडेंट हुए, खड्डे हो रहे, सारा टूटा पड़ा, वो भी पूरा एकदम तकाचक कर जाए, आप देख रहे हो कितना बढ़िया रोड बना हुआ। अब मैं आ गया, चिंता ना करो, आपकी सड़कें बनने चालू हो गई, सीवर की सफाई चालू हो रही है पूरी दिल्ली में, पानी की जहाँ जहाँ गंदा पानी आ रहा था वह साफ होना चालू हो गया। पहले से भी बहुत बेटर है, लाने में जाने में आने में सब कुछ का सुविधा है। पहले बहुत गड्ढे थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है, मैं तो खुद देख रहा हूँ, 10 साल से देख रहा हूँ। जेल से रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े दावे किए थे, उन दावों में मुख्य मुद्दा था दिल्ली की सड़कें। तो उसी के चलते आज हम मौजूद हैं कोंडली विधानसभा में, जो रोड दल्लूपुरा से वसुंधरा के लिए जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। तो चलिए करते हैं शुरुआत, जानते हैं दिल्ली की सड़कों को लेकर जनता की राय। दिल्ली की सड़कों को लेकर जो सरकार का प्रदर्शन रहा है, कितने संतुष्ट हैं आप उससे? हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया, पहले से और अच्छा बन गया। तो पहले में रोड बनते जा रहे हैं आगे, ये गड्ढे सड्ढे से इनको थोड़ा प्लेन हो गया है। तो जो दिल्ली की सड़कों की हालत जो पहले थी और जो अब है, कितना बदलाव आया है? अब सुधार ज्यादा है, पहले से अब सुधार ज्यादा है, ताकि अब कोई दिक्कत नहीं है पब्लिक को। जो दिल्ली की सड़कों की हालत जो पहले थी, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था आपको? पहले काफी कठिनाई पड़ती थी, यानी कि मैं तो पैदल चलता हूँ, जो गाड़ी वाले उनको कठिनाई पड़ती थी। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं दल्लूपुरा का रहने वाला हूँ। तो ये कब से आप अपनी दुकान यहाँ लगा रहे हैं? मुझे करीब 3 साल हो गए, लॉकडाउन के बाद से लगा रहा हूँ मैं। तो इन 3 सालों में सड़कों को लेकर कितने बदलाव हुए हैं? बहुत ज़्यादा बदलाव हो गए, पहले ये सारे रोड टूटे हुए थे, अब हमारे विधायक जी ने सारा बढ़िया करवा दिया, अभी कल परसों ये रोड बने हैं, अंदर की सारी गलियाँ कंप्लीट हो गई हैं, सारा काम अच्छा चल रहा है। लोग जो सोचते हैं कि भाई हमें इतना खर्चा हो रहा है, जो गाड़ियों में जो डेली रोज जाने वाले कंपनी वगैरह जाते हैं, वो गड्ढों से होकर गुजरते हैं, उनकी गाड़ियाँ टूटती हैं, वो अपने ड्यूटी पे जाएं या गाड़ियों को सही कराएं, उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, फिर पैसे बचते हैं गाड़ियाँ सही होने के, तो वो सब अपने काम में ही आ रहे हैं। तो संतुष्ट हैं लोग और चाहते हैं कि यही सरकार रहनी चाहिए हमारे। उम्मीद पूरी हमारी गलियों की, जो ना गाँव में भी गली भी जो ना गली भी रोड बने हैं सारे, 72 गली थी ये जो मेरी नॉलेज में है, 72 गली थी, उनमें कुछ बनी है, अभी कुछ रह रही है, अब सरकार नहीं काम चल रहा है। चुनाव पे यह असर पड़ेगा जी, जो गाड़ी काम कराएगा अच्छा, तो उसके लिए पब्लिक तो देखो सीधी सी बात है जाए सपोर्ट देगी, और आने वाले समय में आम पार्टी के साथ है हर तरह से, दिल जान से हम हमेशा उन्हीं को ही देते रहे। पहले से भी बहुत बेटर है, लाने में जाने में आने में सब कुछ का सुविधा है, अब किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है, पहले से तो बहुत बेटर है। अरविंद केजरीवाल ने जो सड़कों को लेकर दावा किया था, जो वादे किए थे कि दिवाली से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे, आप इन सड़कों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपने वादों पर खरे उतरे हैं या नहीं? केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे काम कर रखे हैं सड़कों को लेकर। अभी पहले क्या था यहाँ पर, पहले बहुत खराब है, लेकिन इस टाइम पर करीब 10-12 दिन से बहुत अच्छा, पहले बहुत गड्ढे थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है, मैं तो खुद देख रहा हूँ, 10 साल से देख रहा हूँ। दिल्ली की सड़कों को लेकर आपने जनता की राय सुनी, अब आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।